हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। हम एक नई वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आएंगे जिसके ऊपर हम कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। एक हेडिंग लूंगा, एक क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन के हमें डिफरेंसेस पढ़ने होंगे। ये डिफरेंसेस आपके ज़्यादा देखा गया एमकॉम लेवल में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में, बुक के या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे हम किसी भी एक हेडिंग को उठा लेंगे और उसके बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। जैसे आज का टॉपिक हमने उठाया है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सामने देख लीजिए, यहाँ पे एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन, इसमें लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी जो हमारे पास एग्रीमेंट हो रहा हो किसके बीच में, या तो दो पार्टी होगी, ठीक है, एक्स एंड वाई, और या फिर दो से ज्यादा पार्टी हो सकती है, मोर देन टू पार्टीज, ठीक है। दैट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, जिसे लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जाता, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जिसे लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जाता वो आपका एग्रीमेंट होता है। जिसको आप लॉ के द्वारा एनफोर्स कर लेते हो, यानी जिसको आपने एनफोर्स कर दिया है, वो आपका क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जो वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो हो रहा है कि वेयर एन एग्रीमेंट, इसका मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो चुकी है। जब एक बंदा एक्स है, ये वाई है, एक्स ने ऑफर या प्रपोजल दिया उसको, ठीक है, और वाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अवेलेबल, ठीक है, देन इनके बीच में प्रॉमिस हो गया, क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, डन, और ये आपका एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, बट इसमें अभी लॉ बीच में नहीं आया है, यानी कानून बीच में नहीं आया आपका, ठीक है। तो जब तक कानून बीच में नहीं आता है, उसने बोला वो आपका क्या है, वो एग्रीमेंट जो होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो होता है वो नॉट एनफोर्सेबल लॉ होता है, सिर्फ एक ऐसा प्रॉमिस एक तरीके से, ठीक है। ये एनफोर्स नहीं होता किसके द्वारा, लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं होता एग्रीमेंट, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एनफोर्स होता है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, डन। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ लिख रहे हैं एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज That is not enforceable by law. तो यहाँ रखना हमेशा याद, not enforceable by law, और ये है enforceable by law. Then दूसरी बात करते हैं one in other में हम क्या पढ़ रहे हैं कि every agreement, यानी हर एक agreement need not to be a contract. जरूरी नहीं है कि जितने भी agreement है वो contract ही हो बाद में, बात समझना। Agreement बहुत होते हैं और हर agreement contract नहीं होता है, बट यहाँ लिखा हुआ मैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो पहले एग्रीमेंट जुड़ रहे होंगे, क्योंकि प्रोसेस ऐसी आ रही है। और यहाँ पे प्रपोजल है, ऑफर है, ऑफर के बाद आपने क्या करा, जो एक्सेप्ट किया उसे, ठीक है, देन वो प्रॉमिस बना, वो एग्रीमेंट हो गया, कंसीडरेशन एंड ऑल सारे फैक्टर्स आपने देखने होते हैं, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटेंस का फैक्टर देखा जाता है, देन एनफोर्सेबल बाय लॉ जो आप करते हो उसको देखा जाता है। तो हमने सीधी बात बोला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे पहले हो रही है, एग्रीमेंट को करने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसने बोला एग्रीमेंट तो आप कैसे बना लोगे, ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट तो बन जाएगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पर बोला एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, हर एक एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, प्रॉमिस किया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। इसको ऐसा समझा जा सकता है, अगर मैं मान लो ये एक सर्कल बना रहा हूं और ये सर्कल मान लो आपका क्या है, एग्रीमेंट है, ये सर्कल आपका क्या है, एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट ये रहा और कॉन्ट्रैक्ट मान लो उसके बीच में इतना है, कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा कॉन्ट्रैक्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट से जुड़े होंगे, बट जितने एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बने, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कितना बने, इतना ही पोर्शन एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना है। इसका मतलब एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट, वो जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो, बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होगा, बात समझ आती है। तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, दो डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद स्कोप की बात करते हैं, इसका मतलब फिर बड़ा कौन हुआ, बड़ा था एग्रीमेंट ही था, तो इसका वाइड स्कोप है, वाइड मतलब होता है बड़ा, व्यापक, ठीक है, और इसका स्कोप क्या है, नैरो, नैरो मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा, यानी सूक्ष्म, कम, डन। तो तीन आपके पास हो गए, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ये वाइड स्कोप, ये नैरो स्कोप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिफरेंस पे सीखे, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आपके पास आ रहा है,
एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट किसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको 12 बता चुका हूँ। ऑफर यानी प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल आता है और उसको एक्सेप्टेंस आती है। तो ऑफर और प्रपोजल ये दो चीजें आती है किसके अंदर, एग्रीमेंट के अंदर। और यहाँ पे क्या आता है, एग्रीमेंट आता है। यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि एग्रीमेंट यानी ऑफर तो आ ही रहा है, एक्सेप्टेंस भी आ ही रहा है। तो ऑफर एक्सेप्टेंस यानी एग्रीमेंट तो वही होगा, साथ में वो एग्रीमेंट क्या करना आपको एनफोर्सेबल करवाना था लॉ के थ्रू, है ना, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो लॉ के द्वारा आपको एनफोर्स कराना होता है। तो उसका मतलब यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दो, यहाँ पे इसके क्या दो एलिमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट के पास एग्रीमेंट है, पूरा एग्रीमेंट, इसका मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस ये सब चीजें इसके अंदर है, प्लस साथ में लॉ के द्वारा मंजूरी भी है, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है। डन। सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें सेक्शन 2E आपका लग रहा है, और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इसमें क्या लग रहा है आपका 2, ठीक है, एच आपका लग रहा है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डन। राइटिंग की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि इन राइटिंग हो, एग्रीमेंट जरूरी नहीं होता कि वो इन राइटिंग हो, बट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा आपको ज्यादातर राइटिंग में मिलेंगे और रजिस्टर्ड मिलेंगे, प्रॉपर रजिस्टर्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, आपके रिटर्न फॉर्म में होंगे और रजिस्टर्ड होंगे, बट एग्रीमेंट जरूरी नहीं है आपका रिटर्न, वो रिटर्न हो भी सकता नहीं भी हो सकता। डन। आगे वैलिडिटी की बात करते हैं, तो उसने बोला एन एग्रीमेंट मे बी बोथ लीगल हो सकता है एंड इलीगल हो सकता है। एग्रीमेंट आपका लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, बट लीगल एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ऑनली लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। डन। सेक्शन कैसे पढ़े जाते हैं ये मैं आपको कंपनी एक्ट में बता ही रहा हूँ, जो कंपनी एक्ट की वीडियो डल रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लॉज कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन सब सेक्शन रूल सब रूल्स कैसे पढ़े जाते हैं, आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, एलिमेंट बोले तो ऑफर एक्सेप्टेंस दो एलिमेंट है, इसमें एग्रीमेंट पहले एग्रीमेंट बनेगा, साथ में फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। इसमें सेक्शन आपका 2E है, इसमें 2H है, कौन सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लग रहा है, 1872 आपका एक्ट है। उसमें राइटिंग की अगर हम बात करें तो ये जरूरी नहीं कि राइटिंग फॉर्म में हो रिटन फॉर्म में हो, बट ये रिटन एंड रजिस्टर्ड आपको हमेशा मिलेंगे, ये लीगल इलीगल दोनों हो सकता है एग्रीमेंट, बट ये हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं उनको ही आप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऑनली लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के हमने फर्स्ट वीडियो में हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की जो डिफरेंस की है, ऐसे ही अब नेक्स्ट आगे कुछ और वीडियोस बनेंगी जिसमें कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनके बीच में हमें डिफरेंसेस पढ़ने, जो कि कई तरह के एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।